शेर फजल मरवत साहब, मिसाक मईशत की ऑफर तो उस वक्त आपकी जब हुकूमत थी तब भी दी गई, उसके वक्त मतलब जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त तो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं किया खान साहब ने। आज ये बात की जा रही है, मिल बैठ के बैठ जाए, मिल बैठें और बात करें, तो बात ये आती है कि आज भी क्या हमारे अंदर वो हौसला मौजूद है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें, एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकें। कि मिसाके जमहूरियत या जो आपने बात की मिसाके मईशत तौर पे देखे ना कि हुकूमत कर क्या रही। 9 फरवरी को मैंडेट चोरी करने के बाद जिमनी इलेक्शन में भी इन्होंने मैंडेट चोरी किया, खान भी इसके बाद भी 3 केसेस बना दिए और बदस्तूर खान अंदर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद न करने के बहाने तराशे जा रहे हैं, तो लिहाजा खवातीन अंदर है, मिलिट्री ट्रिब्यूनल में लोग नजरबंद है, कोई इन्होंने जस्टर ऑफ गुडविल दिया ही नहीं है, कोई इन्होंने ये अपने अमल से साबित ही नहीं किया है कि हमारे पास कोई इख्तियार है आपको कोई रिलीफ देने। अलबत्ता मैं इस हद तक आपसे एग्री करता हूं कि अगर मुल्क को इस सियासी बोलचाल से या इस बोलचाल से निकालना है तो इसके लिए लाजमी है कि तमाम कुव्वतों सियासी कुव्वतों समेत बात की जाए और इनको माइनस नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता आज से 2 माह कबल तो इनके जेन में ये बात थी नहीं कि इनको हिसाब देना पड़ेगा या इनको जहनी तौर पर यह तैयार होना पड़ेगा कि हमने इख्तदार से आप दोनों हैं। अब ये सोच रहे हैं कि जी हम तो इख्तदार जो है ले लिया है लेकिन हुकूमत नहीं चला सकते। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत भी बशमूल खान साहब ये समझ रही है कि हमारे पास बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतर है, तो लिहाजा कोई बीच का रास्ता निकालना होगा।